तो सर्दियों का मौसम हो और मटर के पराठे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, डिलिशियस है और बहुत ही इजी होता है बनाने में। और आप इन पराठों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना सकते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैंडिड ट्रीट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। तो सबसे पहले एक पैन लें और उसमें डालें 1 से 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल। यहाँ आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और अब इस तेल को 20 से 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर गर्म होने दें और उसके बाद इसमें डालें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा और उसके बाद इसमें डालें 1/3 टीस्पून हींग। तो यहाँ फ्लेम को हमें लो रखना है और अब इसमें डालें 2 टेबलस्पून के करीब कुटा हुआ अदरक मिर्ची। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च 7 से 8 ली है, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आपको तीखा पसंद हो। तो अदरक और मिर्च को 10 से 15 सेकेंड पका लें और उसके बाद इसमें डाल दें मटर। तो यहाँ मैंने 2 कप के करीब मटर यूज़ किया है, तो आप जितनी भी मटर यूज़ करना चाहें उस हिसाब से आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लें। और अब मटर को अदरक और मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद इसमें डालें 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक या फिर जितना आपको पसंद हो। और अब इसमें डालें बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ की है, इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं किया है। अगर आपको लगे कि हरी मिर्च कम है और इसे थोड़ा और तीखा होना चाहिए तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इसे ढक दें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दें। तो यहाँ इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब फ्लेम को हाई कर दें और इसे हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मटर अच्छे से पक चुकी है, बहुत ही अच्छे से मैश हो रही है। और अब यहाँ फ्लेम को ऑफ कर दें और अब इसे हमें मैश कर लेना है। तो आप कोई भी ग्लास यूज़ कर सकते हैं या फिर मैशर यूज़ कर सकते हैं। इस मटर की स्टफिंग में लास्ट चीज़ ये यूज़ करनी है कि आप या तो चाट मसाला यूज़ कर लें 1 टेबलस्पून, या फिर आमचूर पाउडर, या फिर आप नींबू का रस डाल दें। तो आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें लेमन जूस यूज़ किया है, लेकिन मैं उसका वीडियो मिस कर गई इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। तो आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा मटर अच्छे से मैश हो चुका है और अब इसमें थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें और हमारी मटर की स्टफिंग हो गई है रेडी। और अब पराठा बनाने के लिए सिंपल जो हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसा ही आटा गूंथ के तैयार कर लें। और अब एक मीडियम साइज़ का डो लें और अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें और थोड़ा सा इसे फैला लें इस तरीके से जिसमें हम मटर की स्टफिंग रख सकते हैं। और अब इसमें 2 टेबलस्पून मटर की स्टफिंग रखें। अब इस स्टफिंग को अच्छे से पैक कर दें। अब इस पर थोड़ा सा सूखा हुआ आटा लगाएं फिर से और इसे बेल लें। और इस पराठे को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, तो आप इसी तरीके से सारे पराठे को तैयार कर सकते हैं। और अब एक तवा लें और इसे हाई फ्लेम पर गर्म करें और उसके ऊपर पराठा रखें। और जब रोटी एक तरफ से पक जाए तो उसे पलट लें और इसे हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है। और अब इस पर डालें 1 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर पका लें जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए दोनों तरफ से। तो हमारा मटर का पराठा अच्छे से सिक चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो आप इसी तरीके से सारे पराठे को बना लें। और आप इस पराठे को सिंपल बटर के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर अचार या फिर कोई भी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सबके साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।